हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में। वर्चुअल ऑटिज़म क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, इसका रिकवरी पीरियड कितना होता है और भी कई पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्चुअल ऑटिज़म होता क्या है। वर्चुअल ऑटिज़म कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये एक टर्म कॉइन किया गया है पोस्ट कोविड, क्योंकि कोविड में हम सबका ही स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया था। 24 घंटे हम लोगों को घर में रहना होता था, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, सिर्फ फ़ोन, टीवी, टैबलेट, लैपटॉप, इस पर ही हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट थे। तो ऐसे ही बच्चों का भी स्क्रीन टाइम बढ़ गया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि पोस्ट कोविड स्टडीज़ में पाया गया कि कुछ बच्चों में इसकी वजह से ऑटिज़म जैसे सिम्टम्स आने लग गए हैं। तो उसको, क्योंकि ये क्लासिकल ऑटिज़म नहीं है, ये बचपने से नहीं है, अभी डेवलप हुआ है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया वर्चुअल ऑटिज़म का। अब ऑटिज़म क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। बहुत ही साधारण भाषा में अगर बताऊँ तो ऑटिज़म क्या है, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। मतलब जो ऐसा एक बच्चे को अपने नॉर्मल एज में बिहेव करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, सोशल बिहेवियर करना चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहिए, जब वो बच्चा वैसा नहीं करता तो उसको फिर हम, और भी उसके बहुत सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उसमें चेक करते हैं कि कहीं ये बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है, या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, उनमें से किसी में तो फॉल नहीं कर रहा। ऐसे पता चलेगा कि कहीं आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म तो नहीं है, तो अगर उसका स्क्रीन टाइम 4 घंटा या उससे ज़्यादा है, साथ ही में बच्चा अपनी एज के हिसाब से उसका ना तो लैंग्वेज डेवलप हुआ है, ना उसकी भाषा डेवलप हुई है, ना ही उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुए हैं, वो मैं आगे बताती हूँ क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि, और जैसे ही आपने स्क्रीन हटाया तो धीरे धीरे उसने, बच्चे ने पूरे अपना लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स को कैचअप कर लिया, नॉर्मल में आ गया, तो हम उसे कहते हैं कि इसको वर्चुअल ऑटिज़म है, क्लासिकल ऑटिज़म नहीं है। साइंस ऑफ वर्चुअल ऑटिज़म, वर्चुअल ऑटिज़म्स के क्या साइन है, कि जो क्लासिकल ऑटिज़म के सिम्टम साइंस है वही है इसमें भी, कि बच्चा रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, एक ही जगह पर बैठा रहता है, कंटिन्यूसली एक ही एक्टिविटी करता रहता है, जब तक उसको उसका मोबाइल में जो भी शो देखता है या टीवी में जो भी शो देखता है, गाना सुनता है, वो ना लगा के दिया जाए तब तक वो खाना नहीं खाता, ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। अगर डिलेड रिएक्शन है, डिलेड रिस्पॉन्स है, अपने नाम पर भी नहीं मुड़ के देख रहा है, या तभी मुड़ के देख रहा है जब आप उसको कोई उसका कार्टून लगा के देख रहे हैं, दे रहे हैं, या उसके लिए कोई मतलब बेट दे रहे हैं कि जैसे चॉकलेट दे दिया, टॉफ़ी दे दिया, ऐसा कुछ दे रहे हैं, तो तब वो तो वो आपकी तरफ आ रहा है, बट वैसे आप उसको आवाज़ लगा रहे हैं तो वो नहीं मुड़ के देख रहा, एक ही टाइप ऑफ एक्टिविटी बार बार कर रहा है, जैसे कि जंप करना या फिर थंपिंग करना, मतलब किसी चीज़ को बार बार मारना, या फिर कोई टॉय लेके उसको बार बार फ्लोर पे मारना, ये सब, ठीक है। आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा, आई कांटेक्ट नहीं बना पाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन दैट वी लुक फॉर। छोटे बच्चे हमेशा आई कांटेक्ट बनाते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं या उनके साथ खेलते हैं तो आई कांटेक्ट बनाते, इधर देखो बोलते, तो वो आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन ये बच्चा आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, बना भी रहा है तो बस विद फॉर फ्यू सेकेंड्स बना के हट जा रहा है, अब बात करते हैं लेकिन बच्चा इधर उधर देख रहा है या नीचे देख रहा है। दूसरी चीज़ आती है सोशल स्माइल, बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रेंजर अगर को देख रहे हैं या फिर अपने किसी जानने वाले को देख रहे हैं तो वो स्माइल करते हैं, या आप अगर बच्चे की तरफ स्माइल करते हैं तो वो वापस स्माइल बैक करते हैं, तो लेकिन ये बच्चा वो सब भी नहीं कर रहा, स्माइल नहीं कर रहा, फेस में आई कॉन्टैक्ट नहीं बना कर रहा, तो ये सारे साइंस आप नोटिस कर सकते हैं। स्पीच, अच्छा, अब डिलेड स्पीच और ऑटिज़म में बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं है तो उसे कह देते कि ये तो ऑटिस्टिक बच्चा है, इसकी तो स्पीच डेवलप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिलेड स्पीच और ऑटिज़म दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। स्पीच मतलब बोलना स्टार्ट करना, तो कई बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मली देर से ही बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हर बच्चे का अपना डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है, अलग अलग होता है, तो उसमें 2-4-6 महीने ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है। लेकिन और कौन से साइंस आपको देखने हैं, आपको ये देखना है कि बाकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बच्चा ठीक कर रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वही जो मैंने पीछे बताया सारा, कि आई कांटेक्ट करना, सोशल स्माइल देना, आप अगर टैप कर रहे हैं तो मुड़ के देखना, ये सब।
अगर ये सब बाकी सारी चीज़ें बच्चा ठीक कर रहा है और स्पीच थोड़ी सी डिलेड है तो वो नॉर्मल में ही आएगी, उसको फिर आप वर्चुअल ऑटिज़म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में नहीं काउंट करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप वर्चुअल ऑटिज़म से बच सकते हैं और कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बच्चे को ये कंडीशन डेवलप ना हो। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक एकेडमी अक्रॉस द वर्ल्ड सब ने मिलकर ये गाइडलाइन निकाला है कि 2 साल से 0 to 2 years मतलब 2 साल से कम उम्र के बच्चे को स्क्रीन नहीं देना है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं देना है, आधे घंटे के लिए भी नहीं देना है, 1 घंटे के लिए भी नहीं देना है, बिल्कुल 0 exposure करना है। कई सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि बच्चा खाना ही नहीं खाता जब तक मोबाइल पे कार्टून ना देखे, मोबाइल पे अपना फेवरेट गाना ना सुने, हम तो अल्फ़ाबेट भी मोबाइल से ही बच्चे को सिखा रहे हैं। तो वो सब आपको बंद कर देना है, 2 साल से छोटे बच्चे को या 2 साल के बच्चे तक आपको कोई स्क्रीन उसको नहीं देना है। स्क्रीन में आपका फ़ोन, आपका टैबलेट, लैपटॉप, टीवी और डेस्कटॉप सब कवर हो जाते हैं, बिल्कुल 0 exposure का। 3 years के बच्चों के लिए 1 hour ऑफ स्क्रीन टाइम, वो भी पेरेंट्स के सुपरविजन के अंडर, वो भी बच्चे को फ़ोन नहीं दे देना या फ़ोन दे के चले नहीं जाना, पेरेंट्स के सुपरविजन, पेरेंट्स साथ में बिठा के जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते या कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिखानी है फ़ोन पर थ्रू स्कूल और समथिंग एल्स, तो वो आप 1 घंटा उसका रखिए, उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करना है। अच्छा, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा बैकग्राउंड में अगर टीवी चल रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और रूम में बच्चा है वो अपना खेल रहा है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चा नहीं देख रहा। नहीं, वो भी नहीं करना। अगर बच्चा रूम में है तो वहाँ पर भी आपको टीवी नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि भले ही उसके डिसइंटरेस्ट की चीज़ आ रही हो या बड़ों की चीज़ आ रही हो कि मैच आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है, लेकिन साउंड तो आ रहा है, ठीक है, मोशन में जो पिक्चर चल रहा है वो तो चल रहा है, और क्योंकि वो मोशन में चल रहा है, कलरफुल है, साउंड आ रहा है, तो बच्चा उसकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा और वो उसी को कंटिन्यूसली स्टेयर करता रहेगा, देखता रहेगा, आपका ध्यान नहीं जाएगा, वो उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करता रहेगा और जो आप 0 screen time कर रहे थे वो सारे एफर्ट्स आपके बेकार हो जाएंगे। तो अगर बच्चा किसी रूम में है तो उस रूम में एटलीस्ट आपको टीवी तो नहीं चलाना जिसकी बड़ी स्क्रीन है, मोबाइल लैपटॉप अगर चलाना है तो ऑब्वियसली सबका काम होता है तो चलाइए, बट बच्चे के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर रिकवरी की बात करें तो वर्चुअल ऑटिज़म क्योंकि वर्चुअल है, क्लासिकल नहीं है, बच्चा इसे लेकर पैदा नहीं हुआ है, तो इसकी 100% रिकवरी होती है, ठीक है, क्योंकि हमने ही बच्चे को स्क्रीन की आदत दिलवाई है और उसकी वजह से ही उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, साइंस देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी रिकवरी 100% होती है। तो खुद को ज़्यादा ब्लेम नहीं करना है, आगे क्या करना है, कैसे इसकी रिकवरी करनी है उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम बंद कर देना है। अच्छा, स्क्रीन टाइम जब आपने 0 कर दिया तो पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन हो गया और फिर कहेंगे हमने तो बिल्कुल इसको 10 दिन से फ़ोन नहीं दिखाया है तो अब तो इसको बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता, जो चीज़, जो एज जो बच्चे की निकल गई है, जो चीज़ें, जो डेवलपमेंटल मार्कर्स उसको तब सीखने चाहिए थे तब उसने वो नहीं सीखे है ड्यू टू एक्सपोजर टू फोन, तो अब वो है धीरे धीरे सीखेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। वैसे ही बच्चों में पेशेंस दिखाना पड़ता है और इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। बच्चे के साथ बॉन्डिंग करनी होगी, बच्चे के साथ आपको खेलना होगा। बच्चे क्या करते हैं, अपने सारे सेंसेस से सीखते हैं, कोई चीज़ टच कर रहे हैं तो उससे सीख रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपकी तरफ देख के हंस रहे हैं, कॉन्टैक्ट बना रहे हैं उससे सीख रहे हैं, फ्लोर पर गिर रहे हैं उससे सीख रहे हैं, कोई चीज़ अपने मुंह में डाल रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ रही है बच्चे की, उससे डायरिया भी हो रहा है, उल्टी भी हो रही है, तो वो सारा पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हट गया क्योंकि अब बच्चा कंटिन्यूसली स्क्रीन देखता है और उसको मज़ा भी आता है, उसमें कलरफुल चीज़ है, अट्रैक्टिव बनाई गई है, स्पेशली वो बनाते ही कार्टून इससे कि बच्चा अट्रैक्ट हो जाए, कंटिन्यूसली उसको देखता रहे, उसके सेंसेस नहीं डेवलप हो पाते, वो इतना बिजी हो जाता देखने में, उसको नहीं पता कब उसको भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, कब उसको बाथरूम जाना है, कोई सेंसेस डेवलप नहीं हो पाए। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे उसको डेवलप करानी पड़ेगी, धीरे धीरे उसके साथ टाइम स्पेंड करके 24 घंटे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बच्चे के साथ, तब जाके वो धीरे धीरे नॉर्मल में आ जाएगा। लैंग्वेज का भी ऐसा ही है, आप कार्टून में तो अलग लैंग्वेज में बात होती है ना, तोतली तोतली भाषा में बात होती है, लेकिन आपको क्या करना है क्योंकि वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आप जब नॉर्मल भाषा में उससे बात करेंगे, घर में सब लोग बात करेंगे, वो बैठेगा सुनेगा, तो धीरे धीरे वो अपनी लैंग्वेज भी
डेवलप कर लेगा, बट इसमें टाइम लगेगा, 6 महीने, 1 साल, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा और इतने पीरियड तक आपको उसको स्क्रीन से दूर भी रखना है। इसलिए मैंने कहा इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ते या 15 दिन में कोई भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जितनी भी एडिक्शन्स होती है, सिगरेट बोल लीजिए, अल्कोहल बोल लीजिए, सबका यही होता है कि स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आता है, स्टार्टिंग में बहुत पीसफुल लगता है कि स्ट्रेस ख़त्म हो गया, इसको पी के भी अच्छा लग रहा है, मेरे को रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन जब वो एक एडिक्शन बन जाती है तो वो बाद में छुड़ाना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सेम गोज फॉर दिस मोबाइल एडिक्शन। आपको बच्चे को तब आपको बहुत अच्छा लगता था कि चलो कार्टून लगा दिया, इसने खा लिया, काम ख़त्म हो गया, तो अब उसको छुड़ाने में थोड़ा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट रिकवरी इज़ लाइक पॉसिबल, होती भी है और बच्चों में हुई भी है। तो इसे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रख के बच्चे के साथ आपको काम करना है तो वो अपना नॉर्मल आ जाएगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो के एंड में अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख लेना चाहते हैं तो वो एक तो ये लीजिए कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए, एंड सेकेंडली अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की। ठीक है, जितना जल्दी आप इसको कम करेंगे, जितना जल्दी आप इसको बंद करेंगे, उतना ज़्यादा आपका बच्चा अच्छे से और जल्दी से रिकवर करेगा। अगर आप 12 महीने पे ये करते हैं तो ज़्यादा अच्छी रिकवरी होगी, अगर आप 18 महीने पे करते हैं तो 6 महीने बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज और हो गए। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना बच्चे के साथ एंगेज हो सके उतना होइए, टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए, एंड बस यही है। वर्चुअल ऑटिज़म एक कंडीशन है, पोस्ट कोविड ही आई है, पहले तो थी भी नहीं, लेकिन अब इस कंडीशन से हमें बचना है और अपने बच्चों को सेफ रखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, बच्चों के अगर आपके बच्चे प्लीज स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर उनके ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि और मदर्स को भी और पेरेंट्स को भी जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी ही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, नीचे सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।